स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर में 10 दिन में डेंगू के 15 मरीज, 2020 में डेंगू के 644 मरीज मिले थे। शहर में हाल ही में हुई बारिश से खतरा, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा। कोरोना की वजह से बंद पड़ी है डेंगू की जांच। लखनऊ के कई अस्पतालों में डेंगू जांच बंद। तो शहर में 10 दिनों में 15 मरीज मिले हैं डेंगू के। आपको बता दें कि 2020 में 644 डेंगू के मरीज मिले थे। लगातार कोरोना के चलते जो अन्य बीमारियां हैं वो दरकिनार कर दी गई हैं और इसके चलते ही जो डेंगू की जांच है वो नहीं हो पा रही है सही से, तो लोगों को उसमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कोरोना के विपरीत डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी से भी अब लोग प्रभावित होने शुरू हो गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। बेसिक शिक्षा परिषद में आया बड़ा बदलाव। बीते 4 साल में बड़ी शिक्षा की गुणवत्ता, बुनियादी शिक्षा सेवाओं में यूपी को मिला ग्रेड 1। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बेसिक शिक्षा में बड़ा बदलाव आया है जिसके चलते ग्रेड 1 का दर्जा दिया गया है। बीते 4 साल में बड़ी शिक्षा की गुणवत्ता, बुनियादी शिक्षा सेवाओं में यूपी को मिला ग्रेड 1 का दर्जा। वाराणसी से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम की समस्या बढ़ी, संक्रमण से उबर चुके लोगों को एक और खतरा। अधिकतर लोगों में फंगस लंग्स की दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत और खांसी की परेशानी। कोरोना से उबरे लोगों को थकान अधिक लग रही है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, पोस्ट कोविड सिंड्रोम अब लोगों को परेशान कर रहा है। जिन लोगों को कोविड हो गया है उन्हें पोस्ट कोविड संक्रमण परेशान कर रहा है। संक्रमण में उबर चुके लोगों को खतरा, अधिकतर लोगों में लंग्स फाइब्रोसिस की समस्या पैदा हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी परेशानी की दिक्कत हो रही है। तो अब लोगों को पोस्ट कोविड सिंड्रोम का खतरा मंडराने लग गया है। जिस तरह से जो पेशेंट कोविड से पॉजिटिव हुए थे उसके बाद जो पोस्ट कोविड जो कहा जा रहा था लगातार कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम रह सकता है, लोगों के अंदर दिक्कतें बनी रह सकती है, उसी को लेकर वाराणसी में कई लोग खांसी और सांस लेने की जैसी समस्याओं से परेशान है। फिलहाल के लिए बड़ी खबरों में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, आपका ही मजा आएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।